नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स सीखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और एग्जांपल 5 तक कर लिया था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डेट बी, ऐसा दिया गया है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पे राइट एंगल है एंड ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। सो पूछा गया है कि दो पार्ट हैं, एक पूछा गया है साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए। सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, दैट इज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, दैट इज 576 प्लस 49 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर एंड दैट इज रूट 625 इज इक्वल्स टू ए सी। इनको ऐड कर दें, रूट 625 25 इंटू 25 होता है, सो 25 इंटू 25 और स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा बन जाए तो एक चीज़ बाहर निकलती है, सो 25 सेंटीमीटर, ये एसी की वैल्यू हो गई है। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर। वैसे भी ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो अब हम इसमें पता कर लेंगे कि साइन ए क्या है। तो ए पर अगर आप खड़े हैं, ऑब्जर्वर अगर ए पर खड़ा हुआ है तो सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दैट इज बी सी बाई ए सी, जहाँ पर बी सी 7 है और ए सी 25 है। उसी तरीके से चाहे साइन हो या कॉस हो, इन सब की कोई यूनिट्स नहीं होती है क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। नाउ कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस, तो ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है उसके साथ वो बेस पे ही हमेशा खड़ा रहता है, तो 24 दैट इज ए बी बाई ए सी, ए बी 24 है और दिस इज बेस इज 25, सो दिस इज साइन ए एंड कॉस ए। फिर इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि साइन सी एंड कॉस सी, सो साइन सी एंड कॉस सी ये पूछा गया है, तो इसका क्या सलूशन होगा। अब आप सी पे खड़े हो जाएं, तो सी पर ऑब्जर्वर खड़ा हो जाएगा, अगर सी पर खड़ा होगा तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा और जिस पर वो खड़ा है वो बेस होगा, ऑब्जर्वर ऑलवेज स्टैंड्स ऑन बेस, तो इसलिए साइन सी की वैल्यू क्या होगी। इस केस में परपेंडिकुलर के मायने बदल जाएंगे, तो नाउ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल्स टू ए सी, सो इट इज 24 बाई 25 एंड नाउ cos c, cos c इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस, जहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, इट इज ऑल ऑन बेसिस ऑफ एंगल दैट वॉट इज द बेस एंड वॉट इज द परपेंडिकुलर। जब ये एंगल था तो ये परपेंडिकुलर था, जब ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है और बेस 7 है, तो अभी हम cos c की बात कर रहे हैं इसलिए बेस ये हुआ, तो cos c इज बेस बाई हाइपोटेनियस, सो दिस इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए सी, दिस इज 7 बाई 25, तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज आ गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर दिया गया है इसमें, और फिगर में कहा गया है कि पता करो कि ऐसा फिगर दिया गया है जिसमें पी क्यू आर है, पी
QR ऐसा दिया है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा इसको पता करना पड़ेगा। तो नाउ और आपको पता क्या करना है, टू फाइंड tan p minus cot r, तो tan p minus cot r, c छोटा होगा cot r, tan p minus cot r। अब देखें तो इस केस में हमको पहले ये निकालनी होगी साइड, तो इसके लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर 12 है तो 12 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर पता नहीं, पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर है, सो नाउ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो 169 है और ये 144 है जो कि उधर चला गया है, सो क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 बचेगा, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर रूट 5 हो गया, टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली, क्योंकि कोई भी लेंथ निगेटिव नहीं होती, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों साइन आते हैं, लेकिन मैंने इसमें पॉजिटिव साइन कंसीडर किया, तो आप इसे 5 सेंटीमीटर लिख दें, सो क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर, नाउ वॉट एवर इज आस्क्ड वी विल फाइंड इट, सो टेन पी माइनस कॉट आर, तो पी देखो अगर ऑब्जर्वर पी पर खड़ा हो जाए तो ऐसे केस में टेन का मतलब क्या होता है, टेन किसका किसका रेशो है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो पी पर खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, तो क्यू आर और बेस ये होगा जिस पर वो खड़ा है, सो क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, जबकि यदि ऑब्जर्वर आर पर खड़ा हो जाए तो हमें ये मालूम है कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो कॉट इज बेस, तो अब इस समय जब आर पे वो खड़ा हो जाएगा तो बेस ये बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वर तो बेस पे ही खड़ा होगा और कॉट का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, सो इट इज क्यू आर बाई परपेंडिकुलर पी क्यू, टेन होता है पी बाई बी, ये होता है बी बाई पी, तो लेकिन इसके अलावा एंगल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो एंगल क्या है, उसी के बेस पे परपेंडिकुलर डिसाइड होता है, उसी के बेस पे बेस, तो पी के यहाँ होने से परपेंडिकुलर ये हुआ और आर एंगल ले लिया तो परपेंडिकुलर ये हुआ, इनकी वैल्यूज डाल दीजिए तो क्यू आर कितना है 5/12, यहाँ पर भी वही चीज़ है 5/12, तो ये दोनों वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो इससे जीरो आ गया, सो टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अगर साइन ए 3/4 हो तो साइन ए दिया गया है इट इज 3/4, तो आपको फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, इन दोनों का पता करना है, तो ए अगर आपको दिया गया है इसे आप ए ले लें बी और सी, तो साइन ए क्या चीज़ होती है, साइन ए होता है अब यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इसके लिए तो यही परपेंडिकुलर है, तो इसको फिर से लिखें, जब सोल्यूशन लिखते हैं तो जो गिवन है उसे फिर से लिखते हैं, इट इज 3/4 और साइन ए की जगह डाल दीजिए बी सी बाई ए बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सो बी सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू 3/4, तो अब इनमें रेशो है बी सी बाई ए बी 3/4, तो आप ये कह सकते हैं कि बी सी जो है वो 3 के होगा
क्योंकि ये तो इनका सिंपलेस्ट रेशो है। बी सी ए बी की क्या वैल्यू होगी तो आपको पता नहीं, कुछ ना कुछ इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा, कुछ मल्टीपल रहेगा, और ए बी 4k होगा। जैसे हम लोग लेते नहीं थे 3x एंड 4x, रेशो दिया रहता था एंगल का, तो 3x 4x 5x ऐसे ले लिया करते थे नाइन्थ में, वैसे ही यहाँ पर भी एक रेशो है तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बी सी को आप 3k लिख लें और इसको 4k लिख लें और इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या हो जाएगा, हमें ए बी मिल जाएगा। सो इसलिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड नाउ अब हम ए सी है 4k स्क्वायर तो पूरे पे स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सो इट इज 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ये चीज है, दिस इज 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। सो वॉट इज ए बी, 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। तो 25k स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 × 5 × k रूट के अंदर, जो कि ए बी है तो 5 का भी जोड़ा बना, k का भी जोड़ा बना, सो दैट इज 5k इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ पर जो भी ए बी आया है उसकी जगह आप लिख लें 5k। अब जबकि सभी की वैल्यू पता चल चुकी है तो जो वो पूछना चाहता है आप उसे बता दें। वो पूछना चाहता है कि cos a क्या है, सो cos a इज इक्वल्स टू, जब a पर आप खड़े हैं तो cos होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, सो इसलिए ac बाई ab जिसकी वैल्यू 4k अपॉन 5k, आप बेस पर ही खड़े होते हैं तो ये एंगल के लिए ये बेस है, सो दिस इज इक्वल्स टू 4/5। और वैसे ही tan a क्या होगा, tan a होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, वही जो 6 फार्मूले हैं उसी से पूरा चैप्टर चल जाएगा, इसलिए बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये किसको डिनोट करते हैं, किसको करस्पॉन्ड करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो tan a के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज bc बाय ac दैट इज 3k अपॉन 4k, यदि k कट जाएगा तो ये 3/4 आ जाएगा। अब देखें नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इट सेज दैट गिवन, हमको दिया गया है कि 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 ऐसा दिया गया है, और फाइंड साइन ए एंड sec a, फाइंड साइन ए एंड sec a ऐसा पूछा गया है। तो सॉल्यूशन देखिए, cot a क्या हो जाएगा, इट इज 8/15, तो फिर जैसे पहले फिगर बनाया था वैसे बना लो, यहाँ पर एक एंगल ए ले लीजिए, ये ए हो गया, बाकी आप किसी को भी बी और सी ले सकते हैं, इसका कुछ नहीं है, तो ये 8/15 है। लेकिन कॉट होता क्या है, कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ए एंगल के लिए अगर ए पर ऑब्जर्वर खड़ा है तो जिस पर खड़ा है वो बेस होगा ए बी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, अपोजिट साइड, तो दैट इज बी सी, इट इज इक्वल्स टू 8/15। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि ए बी जो हो गया वो 8k हो गया और बी सी क्या हो गया, इट इज 15k। ऐसा होगा तभी तो इनका रेशो 8/15 आएगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, कोई ये तो को प्राइम तो है नहीं, हो सकता है और बड़े नंबर भी हों और कैंसिल आउट सिंप्लीफाइड होने के बाद ही आए हों, सो वी कैन नॉट
एज्यूम दैट कि क्या होगा, इसलिए हमें के लगाना पड़ता है। जबकि ए बी और बी सी 8 के और ये 15 के आ चुके हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, दैट इज 8 के का स्क्वायर प्लस 15 के का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर 64 के स्क्वायर प्लस, नाउ 64 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, दैट इज 269 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो हम इसको रूट लगा लेते हैं, ये 17 का स्क्वायर है और ये इसी तरीके से यहाँ पर एक तो के स्क्वायर है तो उसको आप क्या कह सकते हैं के, और ये 17 का स्क्वायर है तो इसलिए दैट कैन बी रिटेन एज 17 के। तो ये ए सी की वैल्यू हो गई, इसको आप 17 के लिख लें। एंड वाट एवर इज आस्क्ड नाउ जस्ट फाइंड इट आउट, जबकि हमें सारी साइड्स मिल गई हैं, तो साइन ए इज इक्वल्स टू, जब ए चाहिए तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल्स टू 15 के बाई 17 के। तो के से के कट जाएगा और ये 15 बाई 17 आ जाएगा। और सेक ए क्या होता है, सेक हो या कॉसेक हो उन दोनों में हाइपोटेनियस ऊपर रहता है, और साइन हो या कॉस हो उन दोनों में हाइपोटेनियस नीचे रहता है, टैन या कॉट हो उसमें हाइपोटेनियस नहीं रहता है। तो सेक और कॉसेक में हाइपोटेनियस ऊपर रहता है, तो इट इज sec a is hypotenuse by base, और sec है वो cos का उल्टा है, so hypotenuse by base that is ac by ab, that is 17 k upon 8 k, that is 17 by 8, तो ये 17 by 8 हो गया। अब देखिए fifth question, तो fifth question में क्या कहा गया है, कहा गया है sec theta is equals to 13 by 12, this is sec theta, 13 by 12 है, calculate other trigonometric ratio, तो आप एक triangle बना लें और triangle में एक आप theta दिखा दें, तो sec theta दिया गया है, find other trigonometric ratio, other रेशो, और इसे आप ए बी सी लिख लें। सो sec थीटा की वैल्यू दी है, लेकिन sec होता क्या है, इट इज हाइपोटेनियस बाई बेस, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये हाइपोटेनियस है, जहां थीटा खड़ा है वो बेस है, तो इसलिए sec थीटा इज 13 बाई 12, सोल्यूशन में इसे फिर से लिखा जाएगा, फिर इसके बाद sec की वैल्यू डाली जाएगी, हाइपोटेनियस बाई बेस इट इज इक्वल्स टू 13 बाई 12। इससे पता चलता है कि ए बी जो है वो 13 के हुआ एंड बी सी इट इज इक्वल्स टू 12 के। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, इनको डिवाइड करोगे 13 बाई 12 आ जाएगा। तो हो सकता है कुछ और भी हो, हमें मालूम नहीं है ना कि ये कितने टाइम्स है, ये तो उनका सिंपलेस्ट रेशो है, तो साइज तो जरूरी नहीं है कि सिंपलेस्ट रेशो ही उनकी लेंथ हो, तो इसलिए हमें के लेना पड़ता है। तो ए बी की वैल्यू आप 13 के डाल दें और ये 12 के, वैसे हमें मालूम है पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 12, 5 और 13 का होता है, फिर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसे निकालेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने पर
ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज 12 के का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दैट इज 13 के का होल स्क्वायर. सो बी सी स्क्वायर क्या हुआ, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, ये चीज हो गई जो कि 169 के स्क्वायर और माइनस 144 के स्क्वायर हुआ जो कि 25 के स्क्वायर हो गया. और 25 के स्क्वायर का अगर रूट निकाल लें तो बी सी आ जाएगा जो कि 5 के होगा. तो इसलिए बी सी की वैल्यू 5 के हो गई है. आप यहाँ 5 के लिख दें जबकि 5 के आ चुका है. नाउ वी विल फाइंड आउट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, हमें सेक दिया है बाकी सब निकालना है. तो साइन निकालें, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस सो इट इज ए सी बाई बी सी. ए सी बाई ए बी, हाइपोटेनियस यहाँ ए बी है तो ए सी बाई ए बी. नाउ दैट इज इक्वल्स टू 12 के बाई 13 के से के कट गया सो इट इज 12 बाई 13. ये चीज हो गया. कॉस थीटा इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है तो बेस बाई हाइपोटेनियस बेस है 5 के और हाइपोटेनियस है 13 के तो इसलिए ये 5 बाई 13 हो गया. टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है तो इट इज ए सी बाई बी सी और एडजेसेंट वाली साइड होती है बेस तो जो कि 12 के बाई 5 के तो के से के कट गया और 12 बाई 5 आ गया. नाउ कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर सो बेस कितना है बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी तो बी सी कितना है 5 के और ए सी है 12 के. वैसे भी टेन और कॉट इनवर्स फंक्शंस होते हैं तो इसलिए ये जस्ट इसका उल्टा ही आएगा. तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 बाई 12 तो 5 बाई 12 आ गई. अब देखें sec तो दिया ही हुआ है, cosec और निकाल लें. सो cosec थीटा, cosec क्या होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर सो ए बी बाई ए सी, दिस इज ए बी बाई ए सी. सो ए बी बाई ए सी करोगे तो क्या आ जाएगा 13 बाई 12 सो इट इज 13 के बाई 12 के है, k में से k कट कर दो सो इट इज 13 बाई 12. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे रेशो निकाल लिए. सेक तो दिया ही था, बाकी सारे रेशो हमने इसमें निकाल लिए हैं. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन सेज दैट एंगल A and angle B are acute angles such that angle A is equals to angle B. तो angle A ये given है. If angle A and angle B are acute angles, acute angles और आपको ये पता करना है कि और भी कुछ गिवन है सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी ऐसे दिया है तो शो दैट, टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. ये एक एग्जाम्पल की तरह का क्वेश्चन है. मान लीजिए
टू ट्रायंगल्स आपको दिए हैं और उनमें एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू और ए बी है तो इधर ए बी सी डी ले लो या डी सी, कुछ भी ले लें। तो ए और बी इक्वल है, अगर आप इन्हें सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दें तो ये तो नहीं कहा गया है कि ए एंड बी आर ऑफ सेम ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल के हैं, तो उनको आपको इक्वल दिखाना है। तो ऐसा करने के लिए आप लिखिए कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो अगर इसे ए लिया जाए तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस ए इज बेस, दैट इज क्यू ए बाय हाइपोटेन्यूस पी ए। इसी तरह से कॉस बी इज इक्वल्स टू बी सी बाई बी डी, ये चीज है क्यू ए बाई पी ए बी सी बाई बी डी, ये चीज हो गई। अब जरा चेक करें तो ये तो हमने इनकी वैल्यू रख दी, अब आप ऐसा करें इनको एक्सचेंज कर दें, दैट इज क्यू ए बाई बी सी इससे क्या होगा और पी ए बाई बी डी इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्यू ए बाई बी सी इज पी ए बाई बी डी होगा। तो हमने यहाँ पर टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कर ली हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिपल एस कांग्रुएंसी चाहिए तो थर्ड साइड भी इक्वल करनी होगी। थर्ड साइड इक्वल करने के लिए आप इसे के मान लें और के मानने के बाद इसको सेपरेटली के इक्वल कर लें, इसको सेपरेटली के इक्वल कर लें। अगर मैं किसी तरीके से दिस बाय दिस और दिस बाय दिस तो दिया ही हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू दिस बाय दिस करा दूं तो हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा और ये दोनों एंगल सी पी एस टी से इक्वल हो जाएंगे और यही हमसे पूछा भी गया है, तो वही मैं करने जा रहा हूं। सो क्यू ए बाई बी सी इज इक्वल्स टू के, इसको एक बार के इक्वल किया, इससे इम्प्लाई होता है कि क्यू ए इज इक्वल्स टू के बी सी। और ऐसे ही अगर मैं पी ए बाई बी डी को कर दूं कि पी ए बाई बी डी इज इक्वल्स टू के, एक बार इसको इसके इक्वल किया है, अब पी ए बाई बी डी इज इक्वल्स टू के, इससे क्या इम्प्लाई होता है कि पी ए इज इक्वल्स टू के बी डी, ये बी डी दूसरी तरफ ऊपर चला गया है। अब जरा देखें, हमारे पास दिस बाई दिस साइड नहीं है तो इसलिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसी साइड का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अदर साइड स्क्वायर, सो दैट इज पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। और इसी तरीके से डी सी स्क्वायर, यही दोनों साइड्स हैं जिनका रेशो हमें नहीं मालूम है, सो डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, ये चीज हो गई। तो ये तो हमें मालूम चल गया है कि इनके रेशो हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड हो गया, बाकी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा ही दी है, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो चीज हमने यूज कर ली है और फिर डिवाइड कर दिया है। पीए को क्या माना गया है, सो पी ए को के बी डी, तो आप यहां लिख लें दैट इज इक्वल्स टू के बी डी का स्क्वायर, और इसको क्या माना गया है क्यू ए को के बी सी, सो के बी सी का स्क्वायर और अपॉन डी बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये चीज हो गई। के स्क्वायर्स कॉमन ले लो और सबसे बाहर निकाल लो, तो ये बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और अपॉन डी बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये चीज कट जाएगी, बी डी डी बी तो एक ही चीज है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू अपॉन डी सी
इज इक्वल टू, यहाँ के स्क्वायर बच रहा है तो यहाँ रूट ले लो, रूट के स्क्वायर जो कि के है। तो ये दोनों तो के थे ही, अब हमारी थर्ड साइड भी के आ गई, तो फ्रॉम वन एंड टू, सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू से क्या हो जाएगा, सारी साइड्स ट्रिपल एस लग जाएगी, क्यू ए बाई बी सी इस पी ए बाई बी डी इस पी क्यू बाई डी सी। सो यूजिंग ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, यूजिंग ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल डी सी बी, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज कर लें तो ट्रायंगल पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये किसके सिमिलर हो गया, डी सी बी, तो ए एंगल बी को करस्पॉन्ड करता है या ए पॉइंट बी को करस्पॉन्ड करता है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल्स, ये चीज हो गई। अब देखो ये तो बात हो गई सिक्स्थ क्वेश्चन में, ऐसे ही हमने ट्रिपल एस का एग्जाम्पल में भी हमने लगाया था, तो वही पैटर्न है। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉट थीटा इज 7/8, कॉट थीटा इज 7/8 ये गिवेन है, और इवेलुएट क्या करना है, टू फाइंड फर्स्ट में 1 + sin θ और 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ और 1 - cos θ, ये तो फर्स्ट पार्ट है तो इसको हमें इवेलुएट करना है, और एक इसका सेकंड पार्ट भी है। जब थीटा दिया गया है तो एक एंगल आप थीटा ले लें और इसको आप ए बी सी सिम्बोलाइज कर दें, एक एंगल राइट एंगल लगाना ना भूलें, और जब थीटा दिया है तो कॉट थीटा इस 7/8, कॉट होता क्या है, कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बी सी बाई ए बी, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो थीटा के बगल वाला बेस और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, इट इज 7/8, तो बी सी क्या होगा, यहाँ पर बी सी इज इक्वल्स टू 7k एंड ए बी इज इक्वल्स टू 8k, इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख लो, ये 7k ये 8k, और इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट ए सी, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दिस इज बी सी इज 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, तो इससे क्या आंसर आएगा, 49 + 64, तो इनका स्क्वायर कर दिया है 9 + 4, सो दैट इज 3 and 10 and 11, सो 113 इसका आंसर आ गया। अब देखिए तो 113 के स्क्वायर आ गया इसका आंसर। अब अगर इसका रूट लिया जाए तो AC क्या होगा, 113 तो बाहर नहीं आएगा, सिर्फ K बाहर आएगा, K और रूट 113, तो ये जो वैल्यू है AC की यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, K रूट 113, यही सारी वैल्यू जो भी हैं वो अब यहाँ डालिए, दैट इज इक्वल्स टू 1 + sin θ, तो साइन थीटा क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सो 8k अपॉन k
रूट 113। लॉन्ग आंसर है, इसलिए इसमें हमें ज़्यादा अब ए बी और बी सी नहीं निकलना है। जो दो तीन स्टेप के होते हैं वहाँ ए बी बी सी लिखा जाता है, इसमें आप सिंपली भी रख सकते हो। तो 1 माइनस फिर से साइन थीटा है, तो 8 के अपॉन के रूट 113 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 प्लस बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 7 के रूट 113 बेस लिया है के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस, और 1 माइनस 7 के अपॉन के रूट 113 ये ले लिया। तो अब यहाँ पर 1 माइनस है और 1 प्लस है, तो इसलिए a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। सो 1 माइनस 8 के का स्क्वायर दैट इज 64 के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर को 1 स्क्वायर लिख दो या 1 स्क्वायर को 1 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, और नीचे भी स्क्वायर करो तो k का तो स्क्वायर हो जाएगा और 113 आ जाएगा, क्योंकि रूट 113 का भी स्क्वायर करो, नीचे भी 1 का स्क्वायर और 7k का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49k स्क्वायर, और नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो दैट इज k स्क्वायर इंटू 113। तो ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ऊपर का ऊपर एलसीएम और नीचे का नीचे एलसीएम ऐसा कर लें, नौ ये है 113 के स्क्वायर, और अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 113 के स्क्वायर, क्योंकि ये चीज ऊपर चली जाएगी, माइनस 64 के स्क्वायर, और एलसीएम में क्या आ जाएगा 113 के स्क्वायर। अब नीचे देखो, नीचे के कोशेंट में इज इक्वल टू का साइन बीच में रहेगा यहाँ पे, जो मेन कोशेंट है। अब यहाँ पर भी नीचे करो, एलसीएम लोगे तो 113 के स्क्वायर, और 1 बाई 1 है तो 1 बाई 1 का जब एलसीएम से होगा तो यहाँ पर 113 के स्क्वायर और माइनस 49 के स्क्वायर। ये नीचे नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का कट गया है और न्यूमरेटर अपनी ही जगह रहता है। न्यूमरेटर जो चीज़ जहाँ की है, न्यूमरेटर अपनी जगह कभी नहीं बदलता है। 64 के स्क्वायर हमेशा डिनोमिनेटर एक्सचेंज होते हैं, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे खिसक आता है और नीचे का पलट जाता है। तो 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, और नीचे भी सब्ट्रैक्ट करें 3 में से 9 गया तो 4 आ जाएगा, और 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से 49 बाई 64 इसकी वैल्यू हो गई है। इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालना है तो उसी ट्रायंगल से निकलेगा, तो वो ट्रायंगल आप देख लें और उससे कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लें। कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों एक ही चीज मानी जाती हैं। कॉट कोई भी है, कॉट स्क्वायर थीटा इस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो वही स्क्वायर यहाँ लिख दिया जाता है जिससे हम अननेसेसरी एक ब्रैकेट से बच जाए। अब देखो कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है बी सी बाई ए बी, और इस पर स्क्वायर लगा लें, स्क्वायर लगाएंगे तो 7k बाई 8k का होल स्क्वायर, सो इस पर 49k स्क्वायर और 64 के स्क्वायर, तो के स्क्वायर कट गया और 49 बाई 64 आ गया। तो इस तरीके से इसकी भी वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है, नाइन्थ क्वेश्चन दैट इज एट्थ क्वेश्चन में, एट्थ क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि
इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो आपको ये पता करना है टू वेरीफाई या चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है या नहीं, ये चीज चेक करना है। cot की वैल्यू दी है और उससे ये सब वेरीफाई करना है कि क्या ये सत्य है या असत्य है। तो उसके लिए आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ट्रायंगल में a लेना पड़ेगा। a आप ले लें, यहाँ a ले लें, फिर ये b और c ले लें। अब देखें कि cot a क्या दिया है, 4/3, लेकिन cot होता क्या है, यही है। तो जहाँ पर खड़ा है ऑब्जर्वर वो बेस है, उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और हम जानते हैं कि cot a बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए आप इसे ए बी बाई बी सी लिख दें, बेस बाई परपेंडिकुलर। और ऐसा करने से ए बी 4k हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक रेशो है, ए बी की एक्चुअल वैल्यू तो k लगाने से ही पता चलेगी। और बी सी क्या हो जाएगा, 3k, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दें 4k एंड 3k। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा पाइथागोरस थ्योरम से हुआ है। तो इसमें ए बी की वैल्यू आप 4k का होल स्क्वायर लिख लें और जबकि इसको 3k का होल स्क्वायर लिख लें, तो ये चीज 16k स्क्वायर और प्लस 9k स्क्वायर हुई, जो कि 25k स्क्वायर हुई। और यदि रूट ले लिया जाए तो ए सी आ जाए जो कि 5k है, तो इसलिए ये 5k हो गया। अब जबकि ये 5k हो गया है तो आपको इसमें वैल्यू डाल देनी चाहिए, सारी साइड्स आ चुकी हैं तो इसको अब पिकअप करो वेरिफिकेशन कि वास्तव में वो उसके इक्वल है या नहीं। तो वेरिफिकेशन शुरू कर दीजिए। वेरिफिकेशन के लिए आप इसमें टेक LHS, एक बार LHS लो, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू ले लें। तो 1 माइनस tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, सो इसलिए 3k बाय 4k सिंपली वैल्यू डाल दें। बड़े क्वेश्चन में ए बी बाई बी सी ये सब नहीं लिखा जाता है, और नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 3k बाई 4k का स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर, और ये 1 प्लस 9k स्क्वायर बाई 16k स्क्वायर। अगर आप इसके आगे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 16k स्क्वायर आएगा और ऊपर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर आएगा, और बड़े क्वेश्चन के नीचे भी 16k स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर आएगा। कोशेंट की वैल्यू कट गई, इज इक्वल टू का साइन मिडिल कोशेंट पे लगाया जाए तो यहाँ पे लग जाएगा, और दैट इज इक्वल्स टू इसकी क्या वैल्यू होगी, तो 16 में से जब 9 जाता है तो 7k स्क्वायर, और इसी तरीके से नीचे 16 प्लस 9 तो 25k स्क्वायर, k स्क्वायर के कटने के बाद ये 7/25 आ गया। ये तो हमारे LHS की वैल्यू आई है, बट हमको तो RHS भी चाहिए, तो इसलिए वेरिफिकेशन में RHS भी चाहिए, तो RHS निकालिए। RHS क्या दिया गया है, RHS दिया गया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सो
अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा, इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या है, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, सो 4k बाई 5k का होल स्क्वायर, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सो 3k बाई 5k का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। तो इससे क्या चीज़ हो जाएगी, तो ये आप स्क्वायर कर लें, इट इज 16k स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर। चूंकि डिनोमिनेटर इनका कॉमन है तो एक साथ ले लें, और ये 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर जो कि 7k स्क्वायर बाई 25k स्क्वायर आ गया, इनके कटने के बाद ये 7/25 आ गया। सो बाई इंस्पेक्शन LHS इज फाउंड टू बी इक्वल टू RHS, ये भी 7/25, ये भी 7/25 है, तो बाई इंस्पेक्शन LHS इज इक्वल टू RHS, सो अबव रिलेशन इज वेरीफाइड एज करेक्ट। सो अबव रिलेशन या इक्वेशन इज वैलिड, वो वैलिड है जो कहा गया है। अब देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, और टेन ए की वैल्यू दी है 1/√3, तो 1/√3 इसमें वैल्यू दी है और ए की दी है, तो आप ए दिखा दो यहाँ पे, बी सी कुछ भी लिख दें, राइट एंगल एट बी लिखा है, बी पर राइट एंगल है तो बी पे राइट एंगल बनाना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा करना है, क्वेश्चन में दिया है बी पे राइट एंगल है, तो अब ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें भी वैल्यू पता करनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पता करें, क्या वैल्यू पता करनी है, कह रहा है फाइंड, दो पार्ट में दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पता करना है। तो सबसे पहले जो टैन ए दिया है, तो टैन ए से आप काम शुरू करें, टैन ए इज 1/√3, अगर मान लीजिए ये ए एंगल है तो परपेंडिकुलर बाई बेस बी सी बाई ए बी 1/√3, इससे क्या इंप्लाई होता है, बी सी इज इक्वल्स टू के, इट इज √3 के लगा दीजिए, बाकी वही है क्योंकि बी सी इज 1k और ए बी इज √3 वही लिख दिया, तो बी सी इज इक्वल्स टू के, और इसको लिख लो √3 या k√3, ऐसा भी लिख सकते हो, k पहले लिख लिया जाता है, जो भी हो, अब इस पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ए बी की वैल्यू है k√3 का स्क्वायर और इसकी है k का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, ऐसा करने से √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और k स्क्वायर तो 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये चीज़ है 4k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर का रूट ले लो, रूट लोगे तो यहाँ ए सी हो जाएगा, तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, के स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2k बन जाएगा ए सी, तो ये जो वैल्यू आई है वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इसकी जगह लिख लो 2k। अब जबकि ये 2k आ चुका है तो आपसे जो चीज़ पूछी गई है वो आप बता दीजिए, आपसे पूछा गया है वैल्यू, क्या वैल्यू पूछी गई है, आपसे पूछी जा रही है कि साइन ए कॉस सी
सो अब जरा देखें साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो इनकी आप वैल्यू डाल दें। अब देखें नाउ साइन ए क्या है, यहां से देखें साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो इसके लिए आप क्या कर लें कि के बाई टू के, और कॉस सी का आ गया है तो अब सी को ऑब्जर्वर लो, तो सी को लोगे लेकिन कॉस है तो बेस बाई हाइपोटेनियस, जब सी ऑब्जर्वर है तो बेस तो ये हुआ और कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, सो के बाई टू के। अब देखो कॉस ए, अब कॉस ए लो तो यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है लेकिन फिर भी बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस जो होता है वो बेस बाई हाइपोटेनियस और ऑब्जर्वर के बगल में बेस होता है, सो रूट थ्री के बाई हाइपोटेनियस टू के। और साइन सी, जब सी पे खड़े हो और साइन की बात की जा रही है तो परपेंडिकुलर सी के लिए परपेंडिकुलर ये है तो रूट थ्री के अपॉन हाइपोटेनियस, रूट थ्री के अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसा करने से के कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीज़ें कंप्यूट हो जाएंगी, तो वन बाई फोर आ जाएगा टू इंटू टू, और यहाँ रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर तो नीचे है और वन प्लस थ्री जो कि फोर बाई फोर आ जाएगी जो कि वन आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू पता करनी थी जिसे आपने पता कर लिया है। सेकेंड पार्ट में भी इसी तरीके से कुछ बातें की गई हैं, तो सेकेंड पार्ट की भी आप वैल्यू पता कर लें। नाउ सेकेंड पार्ट में किसकी वैल्यू पता करनी है, यू हैव टू फाइंड कॉस ए कॉस सी और माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए देखो कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ए के लिए तो बेस यही हुआ रूट थ्री के अपॉन टू के, और कॉस सी जब सी पे पहुंचोगे तो बेस ये हो जाएगा क्योंकि बेस पे ही ऑब्जर्वर खड़ा रहता है, तो इट इज के बाई हाइपोटेनियस। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ए पे खड़े होने पर परपेंडिकुलर ये माना जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू के बाई हाइपोटेनियस, और सी पे खड़े होने पर परपेंडिकुलर ये माना जाएगा सो रूट थ्री के बाई हाइपोटेनियस। ऐसा करने पर के से के कैंसिल हो गया है और बाकी चीज़ें कंप्यूट हो जाएंगी, सो रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर जो कि ज़ीरो हुआ। इस तरीके से हमने इन दोनों की वैल्यू पता कर ली है। अब देखें जो टेंथ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, टेंथ क्वेश्चन सेज दैट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सो पी क्यू आर ट्रायंगल एक ले लें, राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड क्यू पर है तो एक ऐसा ट्रायंगल आप बना लें और क्यू पे राइट एंगल बना लें पी क्यू आर, अब कहीं पर भी कुछ भी ले लें, सो दैट इज पी क्यू आर। और भी कुछ दिया है, कहा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, इसे 5 सेंटीमीटर बोला है, और भी कुछ गिवन में है, एक तो पी क्यू को 5 सेंटीमीटर कहा गया है और दूसरा कहा गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों का सम ये है। तो अब जरा देख लो यहाँ पर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और ये भी पता करना है टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी
टेन पी, ये सारी वैल्यू पता करनी है। सो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, ये चीज़ें। तो अब पी क्यू स्क्वायर की जगह तो 5 का स्क्वायर रख दो, और क्यू आर है तो क्यू आर की जगह क्या रखोगे, 25 माइनस पी आर। भाई क्यू आर चाहिए, यहाँ से निकाल लो क्यू आर क्या है, 25 माइनस पी आर, यही रख लो, फिर उसका स्क्वायर भी करो, ये यहाँ से आया है, और इट इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, इसको खोल दीजिए। सो 25 प्लस 25 का स्क्वायर करो तो 625, पी आर का स्क्वायर करो और 2 इंटू 25 इंटू पी आर, सो दैट इज 50 पी आर, 2 ए भी होता है तो वही किया है। इट इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर तो कट गया और ये 650 हो गया, और 50 पी आर को उधर ले जाओ तो पी आर क्या हो गया, 650 अपॉन 50, 0 से 0 कटा, 5 से कटा 13, सो पी आर की वैल्यू 13 आ गई। इन दिस वे ये चीज हमें पता चल गया कि पी आर 13 है, तो आप पी आर की जगह 13 लिख लें, 13 सेंटीमीटर। जब पी आर आ चुका है तो हमारे पास एक रिलेशन भी है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, जिसमें से पी आर 13 आ चुका है। अब हमें क्यू आर पता करना है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 13 जो कि 12 होता है, तो इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर हुई, ये 12 सेंटीमीटर हुई। अब जब सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं तो ये आसान है कि सबके साइन कॉस और ये सबके पी की निकालना, तो साइन पी निकाल लीजिए। साइन पी, जब पी पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो अपोजिट साइड पर पेंडिकुलर होती है, तो आर क्यू अपॉन आर पी, आर क्यू अपॉन आर पी, आर क्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, जो कि 12 बाई 13 हुआ। तो फिर कॉस पी क्या हुआ, कॉस पी हुआ ऑब्जर्वर खड़ा है तो बेस ये हुआ, तो दैट इज बेस बाई हाइपोटेनियस। सो पी क्यू बाई पी आर जो कि 5 बाई 13 हुआ, और टेन पी क्या हुआ, टेन पी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ऑब्जर्वर के लिए ये परपेंडिकुलर है, सो आर क्यू बाई पी क्यू, आर क्यू बाई पी क्यू जो कि 12 बाई 5 हुआ। इस तरीके से हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली है। नाउ लेट अस फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि ये सही स्टेटमेंट है या नहीं, और गलत है तो क्यों गलत है, उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। सो ट्रू फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन, वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन। अब ये चीज फॉल्स है, क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि बेस बड़ा हो जाएगा, ये ए है, और कई बार परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, तो हमें तो टेन ए की वैल्यू मालूम है कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, अगर ये ए ये है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है कभी बेस, तो अगर बेस बड़ा है तो वन से छोटी हो जाएगी, क्योंकि पी बाई बी है, डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटी, और अगर डिनोमिनेटर छोटा परपेंडिकुलर बड़ा पी बाई बी तो वैल्यू बड़ी, तो ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू छोटी होगी कि बड़ी, इसकी वैल्यू छोटी से बड़ी कुछ भी हो सकती है। सो इसलिए दिस इज बिकॉज क्या कहा जा सकता है,
फॉल्स क्यों है? एज टेन ए इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस, या ये भी कह सकते हैं कि टेन ए इज रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड वही परपेंडिकुलर हम बोल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ना बोल के आप अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये चीज खूब चलन में है, एडजेसेंट साइड एंड एनी ऑफ दी साइड कैन बी ग्रेटर एंड एनी ऑफ देम कैन बी ग्रेटर। सो इसलिए जो टेन की वैल्यू है वो हम वन से छोटी भी हो सकती है और वन से बड़ी भी हो सकती है। अब जरा देखो सेकेंड पार्ट, sec a is 12 by 5, sec a is 12 by 5 for any angle a, for any angle a, तो ये देखिए ये हो सकता है, as sec a क्या होता है, sec a is hypotenuse upon बेस, बेस का मतलब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस बाई बेस भी कह सकते हो, हाइपोटेनियस नहीं तो इसके बगल वाली साइड एडजेसेंट साइड है, एज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज लार्जर देन एडजेसेंट साइड या बेस, सो इट्स वैल्यू कैन बी ग्रेटर। सो आप ये कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस इज लार्जर देन adjacent side, so sec a is greater than 1, जब आपका numerator ही बड़ा है तो sec a तो ज्यादा हो ही सकता है। थर्ड देखिए, कहा गया है कि cos is the abbreviation of cosecant of a, so cos a is the abbreviation of cosecant, so cosecant a का ये abbreviation नहीं है, ये किसका abbreviation है, cosine का, so cosecant a, ये गलत बात है, so इसलिए इसे false लिख रहे हैं, cos a is abbreviation of cosine a, ये cosine a का abbreviation है, c को छोटा लिखें, ये लोअर केस में रहेगा, हमेशा c छोटा ही रहेगा, ये है। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, cot is product of cot and a, cot a is product of cot and a, ऐसा नहीं है, product नहीं है, it is for a angle, तो cot a is product of cot a, cot and a नहीं है, product नहीं है, cot के साथ angle, cot का cot is meaningless without angle, so ऐसा नहीं है कि product है, product पे तो commutative law लगता है, तो क्या a cot भी लिख सकते हैं, so it is false, so ये चीज नहीं हो सकती है, false, ऐसा क्यों है, because cot is cotangent of angle A, as cot is cotangent of angle A, so cot is meaningless without angle A, cot is meaningless, अगर एंगल ही नहीं दिया तो किसका किसका रेशो निकालोगे, without angle A। फिफ्थ कहा गया है,
साइन थीटा इज 4/3, साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सो ये फॉल्स है, एस जो साइन थीटा होता है वो अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस होता है, अपोजिट साइड ही तो परपेंडिकुलर होती है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस, एज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट साइड, अगर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है सो साइन कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, सो साइन थीटा कैन नॉट बी, नीचे की वैल्यू हमेशा बड़ी है तो ये चीज एक से बड़ी कैसे हो जाएगी, बी ग्रेटर देन वन। तो इस तरीके से ये बात हो गई कि इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 ओवर हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इस क्लास के लिए इतना ही, बच्चों थैंक यू।